कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में 8000 से 10000 साल पुरानी मंदिर के अवशेष मिले थे, जिस पर हमने अध्याय 456 में चर्चा भी किया था। परंतु इस बार और एक मुस्लिम देश में सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो करीब 4500 साल पुरानी है। गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि कलयुग के अंत के समय पूरे विश्व में सनातन धर्म से जुड़े मंदिर जो आज तक छुपे हुए थे, वो सब फिर से निकलेंगे। तो क्या आज जो मुस्लिम देशों में मंदिर मिल रहे हैं, उनका संबंध सनातन से है? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। इजिप्ट में जहां आज 95% मुस्लिम आबादी है, वहां 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला है। 2021 में भी यहां एक सूर्य मंदिर मिला था और अब यानी 2022 में और एक सूर्य मंदिर मिला है। इजिप्ट के राजधानी कायरो में इटली एवं पोलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह खोज की है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर प्राचीन इजिप्ट के पांचवें साम्राज्य के छठे राजा ने अपना खुद का मंदिर बनवा दिया था, क्योंकि वो खुद को भगवान मानता था। और अभी इटली एवं पोलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दावा किया है कि उसी टूटे हुए सूर्य मंदिर के कुछ हिस्सों को ढूंढ लिया गया है। उनका कहना है कि वहां पर कुल 6 सूर्य मंदिर थे, जिसमें से अभी तक केवल 2 को ढूंढा जा चुका है। पुरातन काल में इजिप्ट में रहने वाले लोग सूर्य पूजन को अति महत्व देते थे, परंतु उनके पूजा की विधि या उससे जुड़ी कोई जानकारी आज किसी के पास नहीं है। आज इजिप्ट में 95% जनसंख्या मुस्लिम है एवं इस्लाम में सूर्य पूजन पर पाबंदी है, परंतु सूर्य पूजन का सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है और सनातन इस सृष्टि के आरंभ से है। भारत में सूर्य देवता से जुड़े छठ पूजा का महत्व कौन नहीं जानता? हमारे योग शास्त्र में सूर्य नमस्कार का महत्व कौन नहीं जानता? विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका नींव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांबा ने रखा था? तो क्या इजिप्ट में मिले सूर्य मंदिर सनातन से जुड़े हैं? क्या प्राचीन इजिप्ट के लोग सनातनी थे? आखिर क्यों इस सूर्य मंदिर को तोड़कर प्राचीन इजिप्ट के पांचवें साम्राज्य के छठे राजा ने अपना खुद का मंदिर बनवा दिया था? इतिहास पर नजर डाले तो सनातन से जुड़े मंदिरों को तोड़ना इस्लामिक राजाओं का काम है। इस पर आपका क्या विचार है साथियों, अवश्य कमेंट करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।